नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैंसी। बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा कपल है जो इन दिनों खूब चर्चा का कारण बना हुआ है। हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं ईशा देओल और भरत तख्तानी को लेकर। ईशा देओल देओल परिवार की लाडली और भरत तख्तानी एक जाने माने बिजनेसमैन। ईशा और भरत का रिश्ता अब खत्म हो गया है, मगर अब ऐसे में ईशा देओल अब जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। ईशा देओल अपनी लाइफ में अब जो है किसी शख्स को अपना सहारा बना चुकी हैं। अपनी कहीं ना कहीं अब जो है अपनी चीज़ों को लेकर ईशा देओल उस शख्स के साथ अपनी चीज़ों को बांट रही है। आखिरकार कौन है वो शख्स? क्योंकि आपको ये जानकारी दे दें कि भाई जो ईशा और भरत का तलाक हुआ है, जो तमाम सोशल मीडिया पर खबरें देखी गई हैं, वो ये हैं कि भरत तख्तानी ईशा देओल को धोखा दे रहे थे। न्यू ईयर के खास मौके पर बेंगलुरु में वो अपनी कथित गर्लफ्रेंड के साथ थे, जहां पर एक ही यूज़र ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की थी, जिसके बाद से देखा गया कि ईशा और भरत के रिश्ते मानो छटपट में खत्म हो गए। भरत तख्तानी ईशा देओल को काफी लंबे समय से बताया जा रहा है कि चीट कर रहे थे, और ऐसे में हम लगातार आप तक ये खबर पहुंचा रहे थे कि भरत तख्तानी और ईशा देओल जो है अलग हो सकते हैं। अब ऐसे में जब इन दोनों का आधिकारिक बयान सामने आया, दोनों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया और कहा कि बच्चों की बेहतरी के लिए हम अलग हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब एक फैन हैरान रह गए। अब ऐसे में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं ईशा देओल, मगर कौन है वो शख्स जिसको ईशा अपना सहारा बना चुकी है? कौन है वो शख्स जिसके साथ अपने दुख सुखों को बांट रही है ईशा देओल? आज के इस प्रोग्राम में आप यही जानेंगे। तो चलिए अब बिन देरी करें शुरुआत करते हैं अपनी इस बेहद ही खास रिपोर्ट। भाई, बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों देओल परिवार खूब चर्चा का कारण बना हुआ है। इस परिवार में इन दिनों ईशा देओल और भरत तख्तानी को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम के जरिए कि आखिरकार ईशा देओल की जिंदगी में अब कौन उनका सहारा बन चुका है। जहां पर पति भरत तख्तानी ने उनको छोड़ा, तो वहीं एक्ट्रेस का हाथ आखिरकार किसने थाम लिया? बीटाउन में इन दिनों हीमान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल के पति से अलग होने की खबरें जोरों पर हैं। ईशा और भरत को लेकर तरह तरह की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में परिवार ही आपका साथ देता है। ईशा भी ऐसे ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। जहां एक्ट्रेस को मां हेमा मालिनी का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं अब ईशा को बहन का भी सहारा मिला। दरअसल जैसे ही पति ने ईशा का हाथ छोड़ा, तो बहन अहाना ने उनका हाथ थाम लिया। अपनी बहन के हर दुख में खड़ी रहती हैं उनकी बहन अहाना देओल। जी हाँ, इन दिनों देओल परिवार की बड़ी बेटी के घर टूटने से बेहद सब परेशान हैं। ऐसे में अब हर कोई ईशा के साथ खड़ा है। ईशा देओल इन दिनों अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने मायके में रह रही हैं। बता दें कि बीते एक महीने से ईशा और भरत के अलग होने की खबरें तेजी से सामने आ रही थी, लेकिन अब कपल ने आपसी सहमति से ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट भी कर दिया है। बता दें कि ईशा और भरत अपनी शादी के 11 साल के बाद अलग हुए हैं। कानूनी तौर पर बहुत जल्द दोनों का तलाक भी होने वाला है। जब से ईशा और भरत के अलग होने की खबर आई है, तब से हेमा अक्सर अपनी बेटी के साथ ही नजर आ रही है। साथ ही ईशा की बहन भी उनके साथ साए की तरह रहती है। वहीं जब से ईशा और भरत के अलग होने की खबर आई, तब से कपल को लेकर तरह तरह की लोग बातें भी बना रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ईशा ने अपनी शादी खुद ही तोड़ ली, तो कुछ लोगों ने इस शादी के टूटने की वजह भरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया। हालांकि भरत ने भी ईशा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ईशा को लेकर कहा कि ईशा अक्सर मेरे साथ रहती है, और जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूं, तो भी वो बेचैन हो जाती है। ईशा बड़ी ही पोजेसिव है, और वो मुझे इग्नोर करके बच्चों पर ज्यादा ध्यान देती है। बता दें कि ईशा और भरत की लव स्टोरी काफी ही दिलचस्प रही है। ऐसे में अब दोनों से अलग होने की खबरें ना सिर्फ बल्कि फैंस को भी परेशान कर रही हैं। दोनों की दो बेटियां हैं, ऐसे में उनके अलग होने का असर बच्चों पर भी पड़ा होगा।
कहीं ना कहीं आपको जानकारी दे दे कि अब बताया जा रहा है कि ईशा देओल का जो सहारा है वो हेमा मालिनी और अहाना उनकी बहन बताई जा रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि परिवार की तरफ से ईशा देओल को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। अब बीते दौरान फैंस ये जानना चाह रहे थे कि भाई आखिरकार जो है ईशा देओल रहेंगी कहाँ पर, इसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। तो ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि ईशा देओल अभी फिलहाल हेमा मालिनी यानी कि अपने मम्मी के घर पर रह रही हैं। बेहद ही जल्द जब एक ऑफिशियली तलाक दोनों के बीच में हो जाएगा तो बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो है अनुमान भी लगाए जा रहे हैं, जो देखे जा रहे हैं कि ईशा देओल को करोड़ों की एलमनी भी मिलेगी, यानी कि दोनों बेटियों के देखरेख पर जो है देखा जाएगा और जो है बच्चों को लेकर पूरा चीज़ें बताई जाएंगी कि आखिरकार जो है जो एक एलुमिनी रहेगी वो जो है काफ़ी अच्छे करोड़ों में बताई जा रही है। क्योंकि अगर भरत तख्तानी की बात करें तो भरत तख्तानी जो है कहीं ना कहीं आपको बता दें कि काफ़ी बड़े बिजनेसमैन भरत तख्तानी बताए जा रहे हैं, और ऐसे में भरत तख्तानी के पास करोड़ों रुपए की खुद की संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो है ईशा देओल को भरत तख्तानी से अलग हो जाने के बाद अच्छी खासी मोटी रकम दी जाएगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।